arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम सुंदरता एक अभिशाप। बनारस संगीत के लिए पुरातन काल से मशहूर रहा है। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी सभी प्रकार के गायन को प्रचलित करने वाले गायक यहीं पैदा हुए। यूं तो सभी मशहूर गायकों के नाम लोग जानते होंगे, पर एक नाम ऐसा भी था जो काल के अंधेरे में छुप गया, और ये नाम था रूप और सौंदर्य की रानी गायत्री देवी का, जिनकी आलीशान तथा कलात्मक कोठी को देखकर उनकी परिष्कृत रुचि का पता चलता था। गुलाब के फूलों से आच्छादित ये कोठी सदा महकती रही। इस कोठी की मलिका थी गायत्री देवी। शाम का समय था, चैती गुलाब की सुगंध चारों तरफ फैली थी। एक बड़े हॉल में 20-25 मसनदें लगी हुई थीं और सभी प्रकार के वाद्य इन मसनदों के सामने रखे थे। पूरे कक्ष में बिछी धवल चादर पर आरामदेह गाँव तकिए रखे थे। दीवानों पर चारों ओर आदमकद शीशे टंगे थे। बेशकीमती झाड़ फानूस से छनकर आती रोशनी अपनी अलग छटा बिखेर रही थी। दीवारों पर मशहूर गायकों की तस्वीरें टंगी थीं। धीरे धीरे गायकों का आना शुरू हो गया और वे उस भव्य हॉल में प्रवेश करने लगे। जिस गायक की जिस वाद्य में रुचि रहती थी वो उसे उठा लेता था। करीब 20-25 गायकों ने इकट्ठे होकर अपने अपने साजों से मधुर ध्वनि छेड़ दी। उसी समय कक्ष में एक युवती ने प्रवेश किया। धवल वस्त्रों में हीरे मोती की आभा बिखेरती युवती को देखकर सभी गायक मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। युवती की सुंदरता का वर्णन करना मानो सुंदरता को चुनौती देना था। उसके काले घने केश चेहरे पर अटखेलियां कर रहे थे। एक लट चेहरे पर बार बार आकर मानो गालों को चुनौती दे रही थी कि मेरा भी अस्तित्व है। रंग क्या था गुलाब की पंखुड़ियों को मात कर रहा था। आंखों को देख झील में खिले दो कमल के फूलों का भान होता था। बिंबा फल से लाल होठों के बीच मोती से दांत बिजली से चमक पैदा कर रहे थे। सुगठित शरीर पर हीरे जड़ित आभूषण शोभायमान थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना कठिन था। ऐसा लगता था उम्र को झाड़ू मारकर उन्होंने भगा दिया है। गायत्री देवी अपनी कोकिल कंठी आवाजों में गायकों को संबोधित करते हुए बोली, चैत का महीना है, चैती गायन होना चाहिए। सबसे पहले हर रोज की तरह सरस्वती वंदना होगी। सभी गायकों ने एक स्वर में सरस्वती वंदना शुरू की, जिसकी सात्विकता स्वतः ही चारों ओर बिखर गई। धीरे धीरे रात्रि का आगमन होने लगा। चारों तरफ लगे झाड़ फानूसों से आती रोशनी ने एक अविस्मरणीय दृश्य उपस्थित कर दिया था। इसी समय महफिल में एक नवयुवक ने प्रवेश किया, जिसे देख सभी कलाकार आंखों आंखों के इशारे में पूछ रहे थे कि ये नवागंतुक कौन है। युवक के चेहरे पर सौम्यता के साथ विद्वत्ता की झलक भी साफ दृष्टिगोचर हो रही थी। उसने जयपुरी साफा बांधा हुआ था। होठ ऐसे लाल थे मानो पान खाया हो। गायत्री देवी ने भी प्रश्न भरी दृष्टि से उसे निहारा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पहरेदारों ने उसे अंदर घुसने कैसे दिया, जबकि उनका कड़ा हुक्म था कि कोई भी अजनबी उनकी कोठी में घुसने ना पाए। युवक की करीब 18-20 वर्ष की उम्र लगती थी। इतने गुणी कलाकारों के बीच युवक को देखकर उनकी भौहें तन गईं। उन्हें लगा इतने विद्वानों के बीच इस बालक ने आकर जैसे उनके संगीतमय वातावरण में रसा भास कर दिया हो। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर सोच लिया कि संगीत समाप्त होने पर इसकी छानबीन की जाएगी। पर उनका मन अवश्य उखड़ गया था। गायत्री देवी की कीर्ति देश विदेशों में फैली हुई थी। उनके जैसी गुणी और विदुषी महिला उस जमाने में दूसरी नहीं थी। गुणी लोग दूर दूर से आकर वहाँ बहुत कुछ सीखते थे। वहाँ स्पर्धा नहीं थी, बल्कि हर गायक एक दूसरे से सीखना चाहता था। नए नए रागों का आदान प्रदान होता था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। नवागंतुक युवक महफिल में गर्दन नीची करके बैठा था। वो जानता था कि लोगों की प्रश्नवाचक दृष्टि उसी की ओर केंद्रित है। संकोचवश उसकी गर्दन झुकी जा रही थी। वो जानता था कि यहाँ इस तरह आकर उसने दुस्साहस किया है, पर कुछ नया सीखने की ललक के कारण ही वो ऐसा दुस्साहस कर बैठा था।
गायत्री देवी ने अपनी सुमधुर आवाज में गायकों से कहा, अब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आप सब में से जो भी चाहे पहले अपना हुनर पेश कर सकता है। यदि उससे कोई गलती होगी तो यहाँ बैठे लोग उसे ठीक करेंगे। संगीत वो कला है जिसका कोई अंत नहीं। अपने अपने सुझाव देने का हक सभी को है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक गायक ने रात्रि को गाए जाने वाले राग का गायन शुरू किया। सभी गायक गर्दन नीची कर आंखें मूंद संगीत का रसास्वादन लेने लगे। मधुर संगीत से वातावरण प्रतिध्वनित होने लगा। लंबे आलाप के बाद कलाकार ने गायन शुरू किया। तबले की थाप पर वो गाता रहा और सभी श्रोता गायक इतने ध्यानमग्न हो गए कि गायन खत्म होने का उन्हें आभास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सभी की तंद्रा टूटी और तालियों की आवाज़ से हॉल गूंज उठा। इस प्रकार कई गायकों का गायन हुआ और वो युवक चुपचाप गायन सुनता रहा। अंत में सभी के अनुरोध पर गायत्री देवी ने गाना शुरू किया। उनकी मधुर आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। सामान्य तौर पर गाते समय गायक की मुद्रा थोड़ी बिगड़ जाती है, पर गायत्री देवी की गायन मुद्रा ने उनकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। यकायक एक आवाज ने सभी की तंद्रा भंग कर दी। वो आवाज उस युवक की थी। सभी ने क्रोध भरी दृष्टि से उस युवक को देखा। गायत्री देवी की भवें तन गई। युवक के पास बैठे गायक ने युवक को झकझोर दिया, जिससे उसका साफा जमीन पर गिर पड़ा और उसके काले घने केश उसके चेहरे पर बिखर गए। आश्चर्यचकित होकर सभी गायक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। युवक का मुंह लज्जा से आरक्त हो गया। अपना भेद खुलते देख धीरे से उसने अपनी नकली मूछें निकाल दी। अब वो 18-20 वर्ष की अनिंद्य सुंदरी सबके सामने लज्जा से सिर झुकाए बैठी थी। उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे पर ऐसे लग रहे थे मानो काले बादलों के बीच चांद निकल आया हो। गायत्री देवी के अद्वितीय सौंदर्य से उस युवती की सुंदरता मानो होड़ ले रही थी। उम्र को देखते हुए उस युवती की सुंदरता गायत्री देवी से अधिक ही लग रही थी। अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली गायत्री देवी में पहली बार हीन भावना का संचार हुआ। युवती का सादा परिधान गायत्री देवी के हीरे मोती से सजे शरीर को पीछे छोड़ रहा था। एक गायक ने गुस्से से युवती से पूछा, तुमने गाने के बीच में रोकने का दुस्साहस क्यों किया और तुम बिना आज्ञा के अंदर क्यों आई? युवती ने बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, गायन में कुछ गलती होने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सभी गायक एक बार के गुस्से से बोले, गायत्री देवी जैसी गुणी गायिका की तुम गलती निकालोगी? बीच में ही टोकते हुए गायत्री देवी ने युवती से कहा, मेरी गलती क्या है तुम बताओ तो सही। युवती ने विनम्रता से कहा, इस राग में आपने विवादी स्वर का कुछ अधिक ही प्रयोग किया है, जबकि इस राग में विवादी स्वर नहीं लगना चाहिए। गायत्री देवी ने कहा, ठीक है, इस राग को कैसे गाया जाता है तुम्हें गाकर सुनाओ। युवती ने तानपुरा उठाकर गाना शुरू किया। गाने के बोल थे, मन मंदिर में दिया जलाकर बैठी हूँ मैं आस लगाए, कब आओगे मेरे श्याम। बिना विवादी स्वर का प्रयोग किए उसका गाना गायत्री देवी के गाने से कहीं ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला था। गायत्री देवी की आंखों में जलन न होकर प्रशंसा के भाव तैर रहे थे। युवती जैसे श्याम से मनुहार करती जा रही थी कि मेरे घन श्याम तुम कब आओगे। मनुहार का भाव चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रहा था। उसके करुण गायन ने चारों ओर करुणा बिखेर दी थी। वहां बैठे सभी गायकों का मन करुण रस से ओतप्रोत हो गया था और सभी की आंखों में उसके प्रति प्रशंसा के भाव थे। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी तुमने संगीत की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? युवती ने लजाते हुए कहा, मैंने कहीं से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, मेरे बाबा ने मुझे संगीत की शिक्षा दी है। बाबा का नाम लेते ही उसकी आंखें छलछल आईं और वो बोली, मेरे बाबा ने मुझे अनाथालय से लाकर पाला था। हफ्ता भर पहले उनकी मृत्यु हो गई। तब कोई सहारा ना होने पर मैं गायत्री देवी का नाम सुन उनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आई थी, पर दरवाजे पर पहरेदारों ने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े। मेरे पास एक मुहर थी जिसे देकर मैं बड़ी मुश्किल से इस शर्त पर अंदर आई थी कि छुपकर आपका गाना सुनकर लौट जाऊंगी, पर संगीत के प्रति अपनी उद्यम लालसा को मैं रोक नहीं पाई। मैं झूठ बोलकर आई, अतः मैं सभी गुणी जनों से क्षमा मांगती हूँ। गायत्री देवी ने युवती से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? युवती ने लजाते हुए कहा, मेरा नाम वीणा नंदिनी है।
और मेरे बाबा मुझे वीणा कहकर पुकारते थे। सभी गायकों की आंखों में युवती के प्रति वात्सल्य उमड़ आया, पर संपत राय की आंखें कुछ और ही कह रही थी, जिसे गायत्री देवी ने पढ़ लिया था। संपत राय को गायत्री देवी अच्छी तरह पहचानती थी। स्त्रियां उनकी कमजोरी थी, वो नामी तथा समृद्ध गायक थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि गायत्री देवी से उनका कुछ संबंध रहा था, पर कुछ इसे अफवाह मात्र मानते थे कि गायत्री देवी जैसी चरित्रवान स्त्रियां कम ही होती हैं। गायत्री देवी ने एक बार संपत राय की तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से निहारा। संपत राय उनसे आंख नहीं मिला पाए और उन्होंने नजर नीची कर ली। गायत्री देवी ने सोचा वीणा नंदिनी संपत राय से बच नहीं पाएगी। उन्होंने वीणा नंदिनी से कहा, बेटी तुम मेरे पास रहकर आगे की संगीत की शिक्षा लोगी। खुशी से वीणा नंदिनी की आंखें छलछला आईं और उसने कृतज्ञता से गायत्री देवी की तरफ देखा। संपत राय का चेहरा बुझ गया, उन्हें अपना कार्य सिद्ध होता दिखाई नहीं दिया। समय बीतता गया, वीणा नंदिनी को गायत्री देवी संगीत की शिक्षा देती रहीं। चिंताओं से मुक्त और अच्छे खान पान से वीणा नंदिनी दिनों दिन और निखरती गई। जो भी उसे देखता भगवान की सुंदर कृति पर मंत्रमुग्ध हो जाता। शाम को रोजाना ही वीणा नंदिनी को संगीत सभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता था। नए नए रागों की जानकारी उसे होने लगी। हर रोज उसका एक गाना अवश्य होता था। गायत्री देवी का उसके प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें ऐसा भान होता था जैसे वीणा उन्हीं की बेटी हो। एक दिन भी यदि वीणा नंदिनी संगीत सभा में न आती तो संपत राय उदास और व्याकुल हो जाते। उनकी आंखें उसे ही खोजती रहती थीं। गायत्री देवी की आंखों से यह छिपा नहीं था। वे वीणा को लेकर चिंतित थीं, क्योंकि संपत राय की ताकत का उन्हें अंदाजा था। अतः जहां तक होता था वे वीणा को अकेला नहीं छोड़ती थीं। एक दिन जब वीणा नहा रही थी तो भूल से स्नान घर के दरवाजे की चिटकनी लगाना भूल गई। गायत्री देवी को पता नहीं था कि वीणा नहा रही है। उन्होंने जैसे ही स्नान घर का दरवाजा खोला तो नग्न वीणा के तराशे शरीर और जांघ में बड़े से लाल दाग को देखकर वो दंग रह गई। 18 साल पहले का वो दृश्य, जब वे अपनी नाजायज संतान को अनाथालय के पालने में रखकर सोती लौटी थी और बच्ची की जांघ के इस लाल दाग को देखकर ही उसे कभी दोबारा पहचान पाने की उन्होंने अपने दिल में सांत्वना दी थी, आज उसी स्थान पर वैसा ही लाल दाग देखकर उसकी खुशी का परावार न रहा। शर्म से वीणा की आंखें झुक गईं और उसने जल्द ही अपना गाउन पहनकर कहा, माफ कीजिए माँ, मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मन ही मन प्रसन्न होते गायत्री देवी ने कहा, कोई बात नहीं, माँ ने ही दरवाजा खोला था, किसी अन्य ने नहीं। उन्हें लगा पहले दिन से ही उन्हें वीणा से लगाव हो गया था, शायद खून ने खून को खींचा था। मन ही मन उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद भी किया। अपनी बेटी को दुनिया के सामने बेटी कहने का वे साहस नहीं जुटा पा रही थी। वीणा क्योंकि नाजायज थी और गायत्री देवी को सभी कुंवारी समझते थे, अब किस मुँह से ये स्वीकार करें कि उसका बाप मौजूद है। बीते दिनों के पन्ने पलट पलट कर उसे उस दिन की याद दिलाने लगे जब वे उस पापी से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई कह रही थी कि ये तुम्हारी औलाद है, इसे अपना नाम दे दो, और वो कह रहा था कि मैं विवाहित हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मुझे इसी समाज में रहना है, समाज में मेरा रुतबा है, तुम इस बच्चे को ख़त्म कर दो, हम पहले की तरह ऐश करते रहेंगे। तब उसने धिक्कारते हुए ये कहा था कि हर बार तुमने मुझे विवाह का आश्वासन दिया था और तुम्हारी बात पर विश्वास करके ही मैंने अपने आप को सौंप दिया था। अपने अंश की हत्या करके मैं एक और पाप की भागी नहीं बनना चाहती। तब उसने हंसकर कहा था, तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें उपाय तो सुझाया है, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। गायत्री देवी ने उसी दिन वो शहर छोड़ दिया था और एक छोटे से शहर में आकर इस बच्ची को जन्म दिया और फिर अपने कलेजे पर पत्थर रख कर इस बच्ची को अनाथालय में छोड़ा था। माता पिता के होते हुए भी उसे अनाथालय में जीवन बिताना पड़ा। यही बच्ची वीणा नंदिनी के नाम से जानी गई और इसका पिता था संपत राय। संगीत में गायत्री देवी की रुचि बचपन से थी और ये अच्छी गायिका भी थी। किसी संगीत सम्मेलन में संपत राय उनके गुण तथा रूप पर मुग्ध हो गए थे। वे उसे किसी तरह का झांसा देकर अपने संग ले आए थे। यौवन की उत्तात लहरों में गायत्री देवी बह गई थी। 20 साल की अल्हड़ जवानी में वो इतनी बड़ी गलती कर बैठी थी। बेटी को अनाथालय में छोड़
संगीत में उन्होंने स्वयं को डुबो लिया था। कड़ी मेहनत से आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाई थी। वो संपत राय को दिखा देना चाहती थी कि वो उनसे किसी तरह कम नहीं है। संपत राय ने कई बार उनके पास आने का प्रयत्न किया, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। गायत्री देवी के नाम के आगे किसी ने भी संपत राय को घास नहीं डाली। गायत्री देवी के पिता किसी रजवाड़े में मशहूर गायक थे और उन्होंने ही गायत्री देवी को संगीत की शिक्षा दी थी। इनके पिता अथाह संपत्ति छोड़कर मरे थे। हीरे मोतियों के ढेर और शानदार कोठी गायत्री देवी को विरासत में मिली थी और उन्होंने उसे तरह तरह के वाद्यों से सजा डाला था। रूप, गुण तथा दौलत सब कुछ उनके पास था। जितना वो संगीत के प्रति जागरूक थी, उतना ही अपने रूप के प्रति भी। अतः रूप तथा गुण दोनों ही महफिलों में भौरों का आना स्वाभाविक था। संपत राय भी रोजाना इस महफिल में आते थे और जब से वीणा नंदिनी यहाँ आई थी, तब से तो वे समय से पहले ही आकर अपना आसन जमा लेते थे और देर तक बैठे रहते थे। उनकी व्याकुल आंखें वीणा नंदिनी को खोजती थीं। एक दिन गायत्री देवी को किसी आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ा। वो वीणा से बोली, मैं जल्द ही आ जाऊंगी, तुम बाहर मत निकलना। चौकीदारों को भी सचेत रहने का हुक्म देकर वो गई। संपत राय को तो इसी मौके का इंतजार था। उसके आदमी पहरेदारों को बेहोश करके वीणा नंदिनी को उठा ले गए। गायत्री देवी की दाहिनी आंख फड़कने से वो समझ गई कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जल्दी से काम निपटाकर वो लौटी तो पहरेदारों को बेहोश पड़ा देखकर उनका माथा चनका। घर में प्रवेश करने पर उन्हें वीणा नंदिनी गायब मिली। गायत्री देवी एक पल में सब समझ गई। संपत राय इतनी जल्दी अपने काम को अंजाम दे देगा, इसकी उन्हें कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। अपनी पिस्तौल को अपने पर्स में रखकर वो भागकर गाड़ी तक आई और उन्होंने गाड़ी का रुख उसी तरफ किया जहां वीणा के होने की आशा थी। वर्षों पहले के संपत राय के गुप्त स्थानों को वो पहचानती थी। जो स्थान सबसे सुरक्षित समझकर संपत राय ने रखा था, वो वहीं चल पड़ी। रात्रि के घने अंधकार में भी वो स्थान खोजने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। 20 साल पहले संपत राय इसी स्थान पर उन्हें रखते थे। धीरे धीरे कदम रखती वो उस द्वार तक पहुंच गई जो भीतर से बंद था। पिस्तौल की एक गोली से दरवाजा खुल गया। छटपटाती वीणा को संपत राय के हाथों में देखकर वो गरज कर बोली, संपत राय वीणा को छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगी। बेहाई से हंसता हुआ संपत राय बोला, गायत्री तुम जैसी सुंदरी के हाथों में फूलों की माला होनी चाहिए, पिस्तौल तो हमारे हाथों में शोभा देती है। ये कहकर जैसे ही वो झपट्टा मारकर पिस्तौल छीनता, गायत्री देवी की गोली संपत राय के पैरों में लगी और वे गिर पड़े। वीणा उनके हाथों से छूट गायत्री देवी से लिपट कर रोने लगी। वो बोली, माँ आज आपने इस पापी से मेरी रक्षा कर दी, वरना मेरा सर्वनाश हो जाता। माँ पिस्तौल मुझे दो, इसे आज मैं खत्म करूंगी। जैसे ही वीणा पिस्तौल लेने आगे बढ़ी, गायत्री देवी की गंभीर आवाज गूंजी, वीणा पिता को मारकर पाप की भागी मत बनो, भगवान उसे पाप की सजा जरूर देंगे। वीणा के हाथ रुक गए। आश्चर्य से वो कभी गायत्री देवी को देखती तो कभी संपत राय को। संपत राय चीखे, ये कैसा मजाक है, गायत्री इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है क्या? गायत्री देवी चीखी, चालबाज तो तुम हो, धोखा देकर तुमने मेरा जीवन नष्ट कर औलाद दी मुझे। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उस औलाद को मैंने अनाथालय में छोड़ाई और ये वीणा वही तुम्हारी औलाद है। संपत राय की आंखों से पश्चाताप के आंसू अविरल बहने लगे। वे रोते रोते बोले, जिस औलाद के लिए मैं जीवन भर तड़पा, आज वो मेरे सामने खड़ी है। ये कहकर जैसे ही संपत राय वीणा की तरफ बढ़ा, वीणा की कड़कती आवाज में ये शब्द सुनकर कि ऐसे पापी पिता को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे तो स्वयं अपने को मार डालना चाहिए, कातर स्वर में संपत राय बोला, अपने पापी पिता को क्षमा कर दो, चलो बेटी अपने घर चलो। ये सुनकर वीणा चिल्लाई, आप किस मुंह से मुझे अपनी बेटी कह रहे हैं? मैं केवल अपनी माँ की बेटी हूँ और जीवन पर्यंत रहूंगी। इतनी देर से चुप गायत्री देवी बोली, संपत राय औलाद रहते हुए भी तुम बे औलाद रहोगे, जीवन भर तुम तड़पोगे, तुम्हारे संग ही तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। वीणा को मैं गोद में लेकर संतान सुख भोगूंगी। ये कहकर गायत्री देवी और वीणा उस पाप पंक से निकल आई और अपने कर्मों का पश्चाताप करते संपत राय को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन,
वाचक स्वर संज्ञा टंडन।